इबादत खाना है उन लोगों का जो शंख से खूबसूरत आवाज पैदा करते हैं। यह सचमुच हिंदुस्तान का काबा है। वाराणसी के बारे में यह सर्वमान्य विदित है कि वर्णा और असी के बीच में अवस्थित होने के कारण ही इसको वाराणसी कहते हैं और काशी भी कहते हैं, काशी अविनाशी भी कहते हैं, आनंदवन कानन भी कहते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि में सबसे पूजित धरती मानी गई। बनारस को सनातन धर्म की राजधानी कहा जाता है, लेकिन इस शहर का जितना गहरा नाता हिंदू धर्म से है, उतना ही गहरा नाता बौद्ध धर्म से भी है, जिसका प्रमुख उदाहरण बनारस के दक्षिण में स्थित सारनाथ का यह मूलगंध कुटी विहार मंदिर है। महात्मा बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद जब पहली बार भ्रमण करते हुए इस स्थान पर आए, खोज के बाद यह पता चला कि उसी स्थान पर अपने 5 शिष्यों को उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए, अपनी जागृति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान दिया, और वही 5 शिष्य पूर्ण समर्पित हुए और उसके बाद उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अशोक ने जब यहाँ पर आया इस क्षेत्र में, तो उसने उसको जब यहाँ पर तत्कालीन जो लोग रहे होंगे जैसे भी उसको मिला तो उस जगह को चिन्हित किया, और उसके अंतःकरण में ये बात आई कि जब ये यहाँ भगवान स्वयं उपदेश दिए हैं तो यहाँ आम मनुष्य साधारण आदमी यहाँ पर आके इस जगह को अपवित्र न करे। इसके लिए वो चूँकि सम्राट था, उसने एक विशालतम ऐसा रूप बना दिया कि यहाँ किसी इंसान का पाँव पड़ ही न सके, तो उतनी जगह पर वो शिवलिंगाकार बहुत विशाल स्मारक बनाया जिसे आज धमेक स्तूप कहा जाता है, और वर्तमान में यही बौद्ध धर्म की शिक्षाओं प्रचार प्रसार का मुख्य आधार स्तंभ है। महात्मा बुद्ध ने सारे विश्व को धर्म का नया मार्ग दिखाया। वही बनारस का एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कहता था, ना मैं बौद्ध हूं, ना मैं मुस्लिम, ना मैं हिंदू। इंसान के रहीम राम के आगे, ईश्वर के हर नाम के आगे, भक्तों के काफिर के आगे। उनका एक दोहा आता है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों जुग के महात्म कबीर मुके ही जनाई बात। दुनिया का भय नहीं, बोले सच्ची बोली रे, छीने क्या क्या कोई उससे, खाली उसकी झोली रे, बड़ी ताकत है गरीबी में। कबीर साहब यहाँ से 6 किलोमीटर दूर लहर तारा नामक स्थल पे पाए गए थे। वहाँ पे बहुत सारी इनकी किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वे लहर तारा नामक स्थान पर एक तालाब के अंदर कमल के पत्ते पर एक बालक के रूप में मिले नीरू और नीमा नामक जुलाहे को। वहीं से उनके जीवन की कथा प्रारंभ होती है। नीरू और नीमा कबीर चौरा नामक मोहल्ले में एक सामान्य स्थिति में, एक सामान्य झोपड़ी में रहते थे और कपड़ा बुनने का उनका कारोबार था। कबीर साहब के स्थान पर एक बार गोरखनाथ जी मिलने आए। गोरखनाथ जी त्रिशूल गाड़ करके उसके ऊपर अवस्थित हो गए। तो वो क्या किए, उनके हाथ में रस्सी रहता है, धागा कह लीजिए या रस्सी, उस रस्सी को उसके ऊपर भेजते हैं, फेंकते हैं, और योगी यहाँ पे कबीर साहब यहाँ पे, वो बोलते हैं कबीर साहब कि अब मेरे समांतर मेरे पैलर में आओगे तब मैं आपसे आगे शास्त्रार्थ करूँगा। लेकिन उनकी शक्ति यहीं पे ही थी, वो बराबर में नहीं आ पाए। पहले यहाँ पे पंडितों ने फैला रखा था कि काशी मरणम मुक्ति, जो काशी में मरता है वही मुक्त होता है, और उन्होंने कहा कि जो कबीरा काशी में रहे तो रामय कौन नहीं हो, तो जा करके मगहर में इस परंपरा को भी उन्होंने तोड़ा। तो कबीर साहब एक तरह से
कई परंपराओं को जो जो जड़वत परंपराएं थी जैसे मूर्ति पूजा आदि, इन सबों का भी उन्होंने विरोध किया। एक प्रकार से उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन भी चलाया उन्होंने अपने जीवन काल में। कबीर काशी मरणम मुक्ति को तोड़ने के लिए अवध चले गए थे, लेकिन काशी का यह मुक्ति भवन आज भी काशी मरणम मुक्ति को जोड़े रखे हुए है। आज भी यह लोग वृद्ध अवस्था में अपनी अंतिम दिन बिताते हैं। इनकी काशी पर श्रद्धा आज भी है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से सनातन धर्म अपनी पहचान खो रहा था। तब एक राम भक्त ने संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण को अवधि में लिखकर उसे जन जन तक पहुंचाया। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम चंद्र कृपाल भज मन। वो स्वामी तुलसीदास जी पहले वो चित्रकूट के रहने वाले थे, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और एक ब्राह्मण कन्या से उनकी शादी होनी थी, रत्नावली। शादी हो भी गई कम उम्र में। रत्नावली से वो बहुत आसक्त थे और एक दिन रत्नावली अपने मायके चली गई थी। ये उनसे मिलने के लिए जैसा सर्वविदित कहानी है, ये सांप लटका हुआ था उसको रस्सी समझ करके उसके घर में चले गए और रत्नावली के जगने पर रत्नावली ने जब यह दृश्य देखा तो उसने कहा कि अस्थि चर्म मय देह मम तामह ऐसी प्रीति, ऐसी जौ रघुनाथ में होती न तो भवी। कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारम। गोस्वामी तुलसीदास जी की काशी में जब तक रहे उनकी विशेषता यह भी एक रही कि वे काशी नगरी में इस पार गंगा के जिस पार हम लोग बैठे हुए हैं इस तरफ उन्होंने कभी शौच और पेशाब नहीं किया। वो एक नाव रखे थे अपने पास और उस नाव से बाढ़ कितना हो गंगा कितना हो विशाल पानी दूर तक चला जाता था, वे रात में भी अपने से अकेले नाव खेकर जाते थे और उस पार जाकर लघुशंका करते थे और शौच आदि करते थे। इस तरह का संत, काशी को मर्यादा देने वाला, हमारी समझ से कोई दूसरा कोई ऐसा अभी तक उल्लेख नहीं आया। मुदिता मन मंदिर चलो। तुलसीदास जी ने हनुमान मंदिर बनवाया और अखाड़ा उखाड़ा। जहां तुलसीदास की भक्ति शांत और विनम्र थी, वही भक्ति का एक दूसरा रूप भी है जिसे अंधकार की भक्ति कहा जाता है और जिसका पूजा स्थल शमशान को माना जाता है। साहब समझते हैं साहब किसे बोलते हैं? क्या चीज है साहब मुर्दा? मुर्दा जानते हैं क्या चीज है? अघोरी की कोई मस्तक में लिखा नहीं कि अघोरी है। तुमको अघोरी से क्या प्राप्त करना है? जहाँ श्मशान है वही अघोरी है कि जो आधी आधी रात को पूरी रात बिताए हुए गंगा जी में मांस खोजते थे जो कि इंसानों की होती थी। कुछ मांस निकाल कर वो अपना खाकर अपने पेट भरते थे। किनाराम जी भी मतलब उनका भी पूर्णतया अघोरी रूप था, मुर्दे का मांस खाना, मुर्दे को लेकर के हाथ में चलना और श्मशान में रहना, दुधुआ माने शराब जिसको पीना उसको कारण भी कहते हैं, यह पीना गांजा पीना यह सब आचरण था। चिता भस्मा लेपो गरल मसलम दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजग पदहारी पशुपति कपाली भूते सो भजक जगदी सैक पदवी भवानी तत्पाणी ग्रहर पर पाटे फल विदम। एक ऐसा अनंग रूप है बाबा का जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। नंगा है, जटाएं उसके दिगपट अंबर की तरह फैली हुई है, कंठे में विष का हलाहल भी रखा है, भुजक पथहारी सर्प का हार पहन रखा है, चंद्रमा ललाट में शोभित हो रहा है बाबा के। अघोर का वास्तविक स्वरूप है अंतर शाक्ता बहिर शैव, किनाराम जी की परिभाषा है। अंतर शाक्ता बहिर शैव सभा मध्य च वैष्णवा नाना रूप धरे कौला विचरंती मही तले। वास्तविक अघोरी वही है जो अंतःकरण में शिव का उपासक हो,
शक्ति का उपासक हो, आचरण जिसके शैव जैसा हो, अड़भंगी हो, गांजा पीता हो, दारू पीता हो, भस्मी लपेटे हो, यह भी हो सकता है बाह्य आचरण। अंतःकरण में दुर्गा काली शक्ति की उपासना करता हो, उनका उपासक हो आदि शक्ति का, शैव जैसा आचरण हो, लेकिन सभा के मध्य में, समाज के मध्य में वो जब व्यक्ति जाए, वह साधक जाए, तो उसे वैष्णव आचार एक मर्यादित रूप में होना चाहिए। ये इसी परंपरा को लेकर बाबा किनाराम चले और आज उनकी परंपरा के लोग इसी परंपरा का पालन करते हैं। अघोरियों का व्यक्तिगत साधना क्रम चाहे विचित्र हो, लेकिन अघोरी समाज सनातन धर्म का आज भी एक अहम हिस्सा है। अगर बनारस की बात हो तो बनारस नरेश का जिक्र जरूरी है, और यहाँ के बनारस नरेश वो 4 बार कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके। मदन मोहन मालवीय जी का एक दिलचस्प किस्सा है। मदन मोहन मालवीय जी, जब उनको हिंदू विश्वविद्यालय की संरचना करनी थी, उसके लिए सबसे पहले जमीन की आवश्यकता है, तो उन्होंने जिस जमीन का चयन किया, जो पर्याप्त जमीन हो सकती थी इतने बड़े विशाल संकल्पना के लिए, वह जमीन काशी नरेश की थी, महाराज काशी नरेश की थी। तो काशी नरेश जी से मिलने के लिए जब वो पहुँचे और उस जमीन की जब मांग करनी थी उन्हें, तो उन्होंने काशी नरेश से एक बहुत ही भावनात्मक दृश्य उनके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, तर्क दिया मालवीया जी ने, मदन मोहन मालवीया जी ने, कि हम हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं, प्रायतः अधिकांश बच्चे हिंदुओं के ही होंगे और वे गंगा माता से और सूर्य नारायण से सभी हिंदुओं का लगाव है, गंगा उसकी माता है, सूर्य आराध्य देव हैं, तो प्रातः काल सब बच्चे जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गंगा स्नान के लिए जाएंगे और सूर्य नारायण को जब अर्घ्य देंगे, तो आप अपने किले से जब इस तरफ देखेंगे उस मंगलमय दृश्य को, तो आपके अंदर अपार हर्ष उत्पन्न होगा। एक तरह से धरती पर मानव रूप में आप ही सूर्य के रूप में उनके अर्ध आप स्वीकार करेंगे। यह सुनकर काशी नरेश जी, तत्कालीन काशी नरेश जी, बहुत भावुक हो गए और उन्होंने तन मन धन से हर तरह का मालवीया जी को सहयोग करने के लिए मन बना लिया। बनारस की कहानी बनारसी पान के बिना अधूरी है, और बनारसी पान के बाद अगर इस शहर में कुछ मशहूर है तो यहाँ के दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती। इधर ये बनारस है क्या? ये बनारस है, ये बिगड़ा हुआ रस नहीं, ये पहले से बनारस है। यहाँ भगवान भोलेनाथ ने काशी में, त्रिशूल में काशी बसाया। हिंदू की वास्तविक परिभाषा यही है कि जो हीन विचारों से दूर हो और हिंसा या दूषिते चित्तम, जिसके चित्त में कभी किसी प्रकार की किसी के लिए भी कोई हिंसा न हो, वही है। Thank you.